नयागढ़ में भरता है। उसी प्रकार अब की बार जो मेला है वो सवेरे से चालू हो गया, पब्लिक का आवागमन, पीआईबी के लोग आ रहे हैं। और इस बार जैसे कि हर वर्ष पीआईबी का मेला गुलाबबाड़ी के अंदर नयागढ़ में भरता है, उसी प्रकार अब की बार जो मेला है वो सवेरे से चालू हो गया, पब्लिक का आवागमन, पीआईबी के लोग आ रहे हैं और उसके बाबा के यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अच्छा, सायं 4 बजे से लोगों को आने की ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। अच्छा, आसपास के जितने गाँव हैं, अपने पास में गुलाबबाड़ी है, मदार है, जेपी नगर है, दोलाबाटा है, कल्याणीपुरा है, डूंगरी है, यहाँ से लोग सब अपने अपने झंडा लेके आते हैं और यह बाबा के यहाँ झंडा लेके आते हैं और उसके बाद में सारे लोग आते हैं, वो सब अपने अपने ढोल वोल लेके, बैंड बाजे जिससे भी या डीजे जिससे भी, सब जिसके सबकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से आते हैं। और हमारा यही एम रहता है जो भी आवे और बाबा के दर्शन करे और माँ के लाभ उठाए, और सभी को हम उनको जो भी आते हैं उनको सबको जो बाबा के प्रसाद चढ़ाते हैं और आने के बाद सभी को प्रसाद बांटते रहते हैं। और ये कार्यक्रम अभी चालू हुआ सवेरे से और रात को 12 बजे तक चलता रहेगा। साथ ही इस वर्ष भी तेजाजी महाराज का वार्षिक मेला बड़े ही धूमधाम से भरा जा रहा है और कल विशाल जागरण रखा गया था जिसके अंदर आमंत्रित कलाकार सुनील भट्ट और आशा कुमावत जयपुर से आई थी। रात को कम से कम 20 से 25 हज़ार की संख्या थी और आज मेले में कम से कम 15 से 20 झंडे और विशाल झांकियाँ और माली काली का अखाड़ा भी बड़े धूमधाम से आया है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेले में काफ़ी अच्छी रौनक है और मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। तेजाजी महाराज की कृपा से आज भीड़ भी बहुत अच्छी आई है और मेला एक विशाल रूप धारण कर चुका है। और मैं आए हुए सभी मेले में श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा कि अपनी सावधानी रखें। बोल तेजाजी महाराज की जय। मैं पंकज गढ़वाल, क्षेत्रवासी, अजमेर।